इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन आपके साथ। आज हम आपको ऐसे प्रत्याशी के बारे में बताएंगे जिसने विधायक रहते हुए कभी मंदिर की ओर झांका तक नहीं और अब आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के चलते आखिरकार उसने अपना शीश भगवान के सामने झुका ही दिया। आइए देखते हैं न्यूज चेन्नई इंडिया की खास रिपोर्ट में। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों का हाल भी वैसा ही होता है जैसा परीक्षा के दौरान छात्रों का। ऐसे समय में भगवान के दर्शन करते हुए वो छात्र अक्सर दिखाई देते हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की होती है या कम की होती है, मतलब उन्हें फेल होने का डर सताता रहता है। चुनाव में कई प्रत्याशियों का हाल ऐसा ही है जैसा पढ़ाई नहीं करने वाले छात्रों का होता है। परीक्षा यानी चुनाव की घोषणा के बाद से वे भी भगवान को मनाने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत की। इन्हें देखकर आज अमिताभ बच्चन की फिल्म नास्तिक का ये वाला दृश्य सामने आ गया। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। राजनीतिक उम्मीदवारों का मंदिर आदि धार्मिक स्थलों पर माथा टेकना कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है जब संवैधानिक पद पर रहते हुए एक भी बार भगवान के दर्शन नहीं किए हों और चुनाव आते ही हाजिरी लगाने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। बहरहाल मधु भगत देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत शहर के मां काली के मंदिर पहुंचे और महाआरती में शामिल हुए। विधायक रहते हुए उन्होंने कभी भी मंदिर की ओर झांका तक नहीं। बालाघाट के जाने माने शक्ति कालीपीठ के मंदिर जहां संभवतः देश की इकलौती लेटी हुई मां काली की प्रतिमा विराजित है, अब मधु भगत चैत्र नवरात्र के पहले ही दिन महाआरती में शामिल हो गए तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे व खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल मधु भगत से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में उनके लिए ये चुनाव आसान नहीं है। तो लोकतंत्र पर हर 5 साल में आता है, इसकी सरकार जितना अपने किसानों के लिए और बहुत सारी ऐसी योजनाएं आदिवासी हमारे समाज बाहुल्य क्षेत्र के लिए और भी बेरोजगारों के लिए और भी ऐसी जो गरीब निर्धन कन्या विवाह के लिए बिजली बिल की सौ रुपये, ये सब सारी योजनाएँ जनहित की थी, जिसके प्रति कहीं ना कहीं पे एक आस्था जागी और राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारी दिल्ली की सरकार जो बनेगी उस पर जो आज हम घोषणा लेके मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे वो पूरा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 9 इंडिया। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। तभी आप देख रहे थे न्यूज 9 इंडिया की खास पेशकश। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 9 इंडिया के साथ। एक देश सात प्रदेश।